गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जैव पराक्रम, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अमीबा में पोषण। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है, मतलब मनुष्य में पोषण। देखो, जैसे मैंने बताया था अमीबा में कि अमीबा भी एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ही मनुष्य भी होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है, मतलब वह ठोस वस्तु को खाएगा, फिर उसको पचाएगा, फिर उसका अवशोषण होगा। काम वही होते हैं जो मैंने बताए थे, प्रत्येक उस जीव में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, मतलब जो सॉलिड फूड खाता है, उसमें प्रत्येक में ये पांच काम ही होते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, भोजन का पाचन होगा, भोजन का अवशोषण होगा, फिर उसका एसिमिलेशन, मतलब वो हमारे शरीर की क्रियाओं में भाग लेगा, मतलब शरीर के निर्माण करने में या ऊर्जा प्रदान करने में, और जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा उसका निष्कासन होगा, यही काम होंगे। तो हम शुरू करते हैं मनुष्य में पोषण। देखो, मनुष्य में पोषण का मतलब है, हमने पढ़ना है मनुष्य पोषण कैसे करता है, मतलब पोषक तत्वों को कैसे निकालता है। तो हम उसके पाचन तंत्र को पढ़ेंगे, और पाचन तंत्र हमें पता है, देखो हमारा शरीर बहुत सारे तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। पाचक तंत्र है जैसे, और श्वसन तंत्र है, और जनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, इस प्रकार अलग अलग तंत्रों से मिलकर बनता है। तो ये तंत्र किससे बनते हैं, हमें मैंने सॉरी ये तो नहीं बताया। देखो, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका बहुत सारी कोशिका जुड़ती है तो उत्तक बनते हैं, उत्तक जुड़ते हैं तो अंग बनते हैं, और अंग जुड़ते हैं तो अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र जुड़ के पूरे शरीर का निर्माण होता है। कहने का मतलब क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं, जैसा कि मैंने बताया पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तो इस प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, और वो तो उनसे मिलकर हमारा शरीर बना है, और वो तंत्र किससे मिलकर बने हैं, अंगों से, और अंग किससे मिलकर बने हैं, उत्तकों से, और उत्तक किससे मिलकर बने हैं, कोशिकाओं से। इसका मतलब क्या है, जो हम बोलते आए हैं कि कोशिका सभी जीवों की मौलिक इकाई है, तो हम इससे कह सकते हैं कि कोशिका जीवों की मौलिक इकाई है। चलो, ये तो बाद की बात है, हम पढ़ रहे हैं जीवों में पोषण। तो हमने पढ़ना है पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र क्या है, एक अंग तंत्र, और अगर ये एक अंग तंत्र है तो ये किससे मिलकर बना होगा, बहुत सारे अंगों से। तो पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग हैं जिनके अपने अपने कार्य हैं। देखो, मान लो मैं आपको ये कहूं कि आपके पास एक एप्पल है, एक सेब है, और आपके पास एक पाइप है, आपने उस सेब में से सिर्फ वो चीज निकालनी है जो आपके काम की है, मतलब मान लो उसका रस है जो आपको चाहिए, बाकी उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके काम की है। तो उस रस को निकालने के लिए, और एक पाइप है, तो आप उस पाइप में कौन कौन सी चीजें लगाएंगे जिससे कि आपको उसका सिर्फ रस प्राप्त हो जाए। तो मान लो एक पाइप है, ये पाइप है आपके पास, और आपने इसके अंदर डालनी है एक सेब को, तो क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले तो उस इतनी बड़ी सेब है, इसको काटने का टुकड़ों में काटने के लिए कोई चीज लगी होनी चाहिए, भी ऐसे कोई चीज लगी होगी जो इसको काटेगी। जब ये पीसीज में हो जाएगा तो इसके अंदर से जो पदार्थ है, जो भरा हुआ है, उसको और पीसने के लिए, ताकि वो जूस आसानी से निकल जाए, तो क्या होगा, हम इसमें अम्ल वगैरह डालेंगे। जैसे कोई अम्ल क्या होता है, हर एक चीज को गला देता है, तो इसमें कोई ना कोई अंदर ऐसी चीज लगाएंगे जो इसमें कोई रस डालेगा, उन टूटे हुए टुकड़ों के ऊपर कोई रस डालेगा ताकि वो घुल जाए, एकदम पेस्ट बन जाए, ठीक है, मुलायम सा। और फिर आगे जाके वो जब रस बन जाएगा, इसका निकल जाएगा, तो उस रस को बाहर निकालने के लिए भी कोई चीज लगाएंगे, तो मतलब हम इसमें छेद कर देंगे भाई, ताकि वो रस तो बाहर निकल जाए इधर से, और जो बच जाए वो इसी में रह जाए और बाहर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाए। तो ये चीजें तो इसमें लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें तो इसका सिर्फ रस चाहिए। तो हमारा जो पाचन तंत्र है, उसमें भी एक लंबी पाइप है, ये समझ लो। उस लंबी पाइप में ऐसे बहुत सारे भाग हैं जिनके अलग अलग कार्य है, और वो कार्य किस लिए, जो हम भोजन खाएंगे उस भोजन से आवश्यक पदार्थ निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले तो उस भोजन को भी काटना ही पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा पीसीज में, तो ऐसा कोई पार्ट लगाएंगे हम, उसके बाद फिर कोई ऐसा चीज जो उसको, कोई ऐसा रसायन उसके ऊपर डालेंगे जिससे उस भोजन को घोल दे, बिल्कुल अच्छे से मुलायम हो जाएगा, जैसे पानी में घुल जाए आसानी से। जब वो बिल्कुल निकल जाएगा उसमें से रस, तो उसको अवशोषित करने वाली कोई चीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमारी उस नली में लगाई गई है, हमारे जो पास भोजन
पचाने के लिए जो नली है हमारे शरीर में, उसमें ये सारे की सारी चीजें लगाई गई हैं, और उन चीजों को हम बोलते हैं अंग। ठीक है, तो अलग अलग अंग से मिलकर हमारा पाचन तंत्र बना हुआ है। तो पाचन तंत्र में मुख्य रूप से दो चीजें आती है, मनुष्य के पाचन तंत्र में दो चीजें आएंगी। एक तो आएगी आहार नाल। आहार नाल जैसे कि मैंने बताया एक लंबी पाइप है जो मुंह से शुरू होती है, मुख से, और खत्म कहाँ होती है? गुदा द्वार पे। गुदा द्वार जिसको एनस बोलते हैं वहां पे खत्म होती है। ये लगभग 9 मीटर लंबी पाइप है, लंबी ट्यूब है, लगभग 9 मीटर लंबी। और इस आहार नाल के अलग अलग भाग है जिसके अलग अलग कार्य है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी की प्रत्येक भाग का क्या कार्य है। इस बाकी मनुष्य के पोषण में मैंने बताया दो भाग है, एक आहार नाल है, एक पाचक ग्रंथियां है। तो आहार नाल तो हो गया लंबी एक ट्यूब जिसमें अलग अलग भाग है जिनके अलग अलग कार्य है, और पाचक ग्रंथियां। ग्रंथियां क्या होती है? जैसे मैंने बताया कि वो जो पदार्थ है उसको घोलने के लिए कोई ना कोई रस तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो ये वो ग्रंथियां हैं जो कोई ना कोई रस उसमें छोड़ेंगी। ये ग्रंथियां पाचक ग्रंथियां को कहेंगे हम, जो उस ठोस पदार्थ को घोलने के लिए काम आएगा। तो इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? जैसे लाला ग्रंथियां हैं जो हमारे मुख गुहिका में होती हैं, और अग्नाशय जो होता है जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, लीवर, यकृत जिसको बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं हमारे अमाशय में होती है, हमारी छोटी आंत में भी ग्रंथियां हैं जो बहुत सारा पाचक रस छोड़ती हैं। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य को पोषण लेना है, मतलब भोजन में से पोषण को निकालना है, अच्छी चीजों को निकालना है, तो ये दोनों तो पढ़ना ही पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं किससे? आहार नाल से। तो आहार नाल मैंने जैसे अभी बताया ये एक लंबी ट्यूब है लगभग 9 मीटर लंबी, और ये मुख से शुरू होकर और गुदा द्वार पे खुलती है, मतलब ये लंबी ट्यूब। इसके अलग अलग भाग है इस लंबी ट्यूब की। देखो मुंह से शुरू हो गया, हमारे मुंह से शुरू होती है ये और अंदर से गई हुई है, बिल्कुल एक लंबी ट्यूब है, कॉन्टिन्यूस है। यहाँ से शुरू होगी ऐसे गई, यहाँ से थोड़ी चौड़ी हो गई है। इस चौड़ी क्यों हुई? क्योंकि इसके अलग कार्य है। उसके बाद फिर देखो कितनी लंबी हो गई है, मुड़ी थोड़ी सी पड़ी हुई है, ऐसी क्यों है? इसके भी अलग कार्य है। उसके बाद देखो ये यहाँ से ऐसी हो गई है, थोड़ी वाइड हो गई है चौड़ी, ऐसी क्यों है? इसके कार्य है भाई। तो नीचे फिर इधर खुलती है ये, इसको बोलते हैं गुदा द्वार। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे भाई मुख का कार्य क्या है? मुख होता है इंजेक्शन के लिए, भोजन को लेने के लिए। भोजन ले लिया, अंदर गया किसमें? अंदर ये खाली जगह जो जिसमें दांत है और जीभ है, तो इसमें भोजन गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुख गुहिका। मुख गुहिका के क्या कार्य है? मुख गुहिका, देखो वो मुख का कार्य है सिर्फ भोजन को लेना, भोजन को अंदर डालना। अंदर किसमें गया? मुख गुहिका में। मुख गुहिका में क्या है? दांत है एक, तो एक जीभ है, और लाला ग्रंथियां खुलती है इसके अंदर, लाला ग्रंथियां। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, तीनों के अलग अलग कार्य हैं। मैंने बताया कि भी बड़ा पदार्थ है भोजन, तो बड़ा टुकड़ा है, उसको तो पीसीज में तोड़ना ही पड़ेगा, ये काम कौन करेगा? ये करेगा दांत। दांत चार प्रकार के होते हैं भी। सबसे आगे वाले जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं इंसीजर, और दूसरे नंबर पे सबसे आगे वाले दो दांत होते हैं इंसीजर। मैं एक ऊपर वाले जबड़े की बात करता हूँ, दो आगे वाले इंसीजर है, ये साइड में लगे होते हैं जो इनको बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, उसके बाद कैनाइन के बाद नंबर आता है दो का प्री मोलार्स बोलते हैं उनको, प्री मोलार्स। उसके बाद नंबर आता है मोलार्स, सबसे लास्ट वाले जो दांत होते हैं। 32 टोटल दांत होते हैं मनुष्य में, 32 दांत होते हैं। तो ये हो गए इंसीजर, कैनाइन्स, प्री मोलार्स एंड मोलार्स। मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला भी होता है 21-23/21-23 ऐसे होता है। ये क्या होता है? ये बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे हम डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। फिलहाल के लिए देख लो सिर्फ चार प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजर जो आगे वाले दांत होते हैं ये कैंची की तरह चलते हैं, जैसे कैंची चलती है ना किसी चीज को काटने के लिए, इंसीजर होते हैं। कैनाइन्स क्या होते हैं? कैनाइन्स होते हैं किसी चीज को फाड़ने के लिए। जब भी आप किसी चीज को फाड़ोगे तो ऐसे साइड से दबाओगे, क्यों? क्योंकि जो कैनाइन्स होते हैं ये वाले, ये चीज को फाड़ने के लिए होते हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें कैनाइन्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, देखो साइड में ऐसे निकले होते हैं, इसलिए उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। वो मांस को खाते हैं, मांस को फाड़ने के लिए होते हैं कैनाइन्स। प्रीमोलार्स और मोलार्स किस लिए होते हैं? ये कटे हुए टुकड़ों को पीसने के लिए होते हैं, ताकि उनको बारीक पीस सके। ठीक है, ये तो काम हो गए दांत के। जीभ का क्या काम है? जीभ भोजन को इधर उधर हिलाएगी, मतलब किसमें मिक्स कर देगी? वो ग्रंथियां जो लाला ग्रंथियां होती है मुख गुहिका में, तीन जोड़ी
लाला ग्रंथियां होती है हमारी मुख गुहिका में, तीन इस साइड होती है, तीन इस साइड होती है, उनका रस मुंह में निकलता है जिसको लार बोलते हैं। तो लार, जो लार निकलती है किससे निकली? लार लाला ग्रंथि से, लाला ग्रंथि से लार निकली। लार और भोजन को मिलाने का काम किसने किया? जीभ ने कर दिया भाई, जीभ ने लार को भोजन के साथ मिक्स किया। दूसरा लार ने, और लार का क्या काम? अब तो जीभ का काम हो गया लार के साथ मिक्स करने में, लार का काम होगा भाई? लार जो होता है एक तो भोजन को गीला करता है, उसको सॉफ्ट करता है ताकि आसानी से निकला जाए। दूसरा इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमिलेस, एमिलेस एंजाइम होता है लार में, और एमिलेस भोजन में विद्यमान जो पदार्थ होते हैं, देखो भोजन है, भोजन में घटक होते हैं भोजन के, कौन कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, ये तीन मुख्य घटक हैं और तीनों ही जटिल हैं। मतलब जब हम भोजन खाएंगे तो उसमें ये तीनों चीज जटिल पदार्थ के रूप में है जिसको हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर सकता, इसलिए इन तीनों को सरल पदार्थों में बदलना पड़ता है। मान लो ये समझ लो कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये इतना बड़ा है, ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, हमें इसकी इन इतने बड़े की जरूरत नहीं है, ऐसे इस रूप में हमारा शरीर इसको ग्रहण नहीं कर सकता, अवशोषण नहीं कर सकता, इसको तोड़ना पड़ेगा, इस चीज को तो अवशोषित कर सकता है तो इसको यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तोड़ना पड़ेगा इसको टुकड़ों में ताकि ये अलग अलग ऐसे निकल जाए, ठीक है। तो ये जटिल था, ये ऐसे जटिल था और ये क्या हो गया, ये सरल में बदल गया। यही पाचन है कि जटिल को सरल में बदलना, यही पाचन है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे जटिल है, प्रोटीन भी जटिल ही है, वो सभी जटिल है, तो इनको सरल पदार्थों में बदलना है, और सरल पदार्थों में बदलने का काम करते हैं एंजाइम, और एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? मैंने बताया पाचक ग्रंथियों से। सबसे पहले ग्रंथि कौन सी है? लाला ग्रंथि, जो किसमें है? मुख गुहिका में, और मुख गुहिका में तीन जोड़ी लाला ग्रंथियां हैं, ये छोड़ती हैं लार, लार में होता है एमिलेस एंजाइम, ये एमिलेस एंजाइम ना तो प्रोटीन का पाचन करता, ना ही वसा का करता, करता किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, जो भोजन में स्टार्च होता है, स्टार्च उसका पाचन शुरू हो जाएगा हमारे मुंह में, मुख में ही, मतलब मुख गुहिका में, और उसका लगभग 30% पाचन हमारे मुख में हो जाता है, ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद अब भोजन जाएगा किसमें से? नीचे होता हुआ किसमें से? इस भोजन नली में से होता हुआ जाएगा। भोजन नली में कोई पाचक रस नहीं निकलता, मतलब कोई एंजाइम नहीं निकलता, लेकिन इसका एक मुख्य कार्य है कि यह भोजन को नीचे धकेलती है। धकेलती कैसे है? इसमें एक खास प्रकार की गति होती है, जैसे मान लो ये पाइप है, तो इस पाइप में ये भोजन यहाँ पे आया तो ये पाइप पीछे से सिकुड़ जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भोजन आगे खिसक जाएगा। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको बोलते हैं भाई, या पेरिस्टाल्सिस। तो इस गति के द्वारा भोजन आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद भोजन किसमें पहुंच जाएगा? भोजन पहुंच जाएगा अमाशय में। कहां पहुंच गया? अमाशय में। अब देखते हैं अमाशय के क्या कार्य है। देखो अमाशय की जो दीवारें होती हैं, जो साइड की दीवारें होती हैं, उसमें अलग अलग कोशिकाएं हैं और वो तीन चीजें छोड़ती हैं। कौन सी छोड़ती है? एक तो छोड़ती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक छोड़ती है एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, वैसे तो पेप्सिनोजन छोड़ती है, पेप्सिनोजन, और एक जो छोड़ती है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, ये है तो ये एंजाइम, लेकिन ये इनएक्टिव है, मतलब अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। तो जैसे ही भोजन आया इसमें अमाशय में, जब भोजन मुंह में था, मुख गुहिका में था, उस समय लार में, लार उसके साथ मिक्स हुई। लार के जो पीएच होती है वो होती है 6.8, लार की पीएच कितनी है? 6.8, लगभग न्यूट्रल है, मतलब लगभग उदासीन है। अब जैसे ही भोजन आएगा अमाशय में तो कोशिकाएं छोड़ेंगी क्या? HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस HCl के कारण हमारे अमाशय की पीएच हो जाएगी 1.5 से 2, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पेट की जो अम्लीयता है बहुत अधिक है, क्यों? देखो पीएच कितनी कम है। अब इस HCl के क्या कार्य है? पेपर में आता है ये, HCl का पहला कार्य है, एक तो ये भोजन के साथ अगर कोई जीवाणु आ जाए, कोई बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तो उसको मारने में
काम करता है उसको किल करता है। दूसरा अगर दूसरा जो यहाँ भोजन था वह लगभग उदासीन होता है तो जब इसमें पहुंचेगा तो वह हो जाएगा अम्लीय। इसके कारण HCl के कारण अम्लीय होने से क्या होगा, जो ये पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन ये एंजाइम है भाई, ये सक्रिय नहीं है, ये तो ये अक्रिय है, मतलब अभी एक्टिव नहीं हुआ, इनएक्टिव है ये एंजाइम और ये छोड़ दिया कोशिका ने। ये एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव होगा जब हमारे इस अमाशय की पीएच इतनी हो जाए 1.5 से 2 या मतलब अधिक अम्लता अगर हो जाए तो पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होगी इसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा पेप्सिन में। हिंदी में भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा भाई, पेप्सिनोजन को पेप्सिन ही लिखना पड़ेगा। अब ये पेप्सिन का क्या कार्य है, पेप्सिन काम करता है किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, और प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। प्रोटीन भी एक जटिल पदार्थ है, तो प्रोटीन का जब पाचन होगा तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा अमीनो अम्ल, क्योंकि प्रोटीन अमीनो अम्ल से जुड़कर बनता है। देखिए मैं बता देता हूं, ऐसे ऐसे यूनिट हैं, ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो बनता है ग्लूकोज के जुड़ने से, बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट ऐसे जुड़ी होंगी तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज भी है लेकिन ये सरल है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स, जैसे स्टार्च जो हम भोजन खाएंगे, आटा खाएंगे, रोटी में स्टार्च होता है, तो उसमें ये ऐसे होगा ग्लूकोज ऐसे बंधा होगा तो स्टार्च बन जाएगा, ठीक है, तो जटिल है। प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में ऐसे ऐसे जुड़ी होंगी, ये क्या है, ये है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, तो ये अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल, ये अमीनो अम्ल, ये अमीनो, ऐसे बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो प्रोटीन बन जाएगा, मतलब ये बन गया प्रोटीन। ऐसे ही एक ये फैटी एसिड, ये है फैटी अम्ल, फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल हिंदी में भी ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, तो इन दोनों के जुड़ने से क्या बनता है, ये बनती है वसा। कहने का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा तीनों ही जटिल है, अब इनको तोड़ना है सरल पदार्थों में, तो जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है उसमें से निकलता है ग्लूकोज, जब प्रोटीन टूटता है उसमें से निकलता है एक एक यूनिट जो है अमीनो अम्ल, जब वसा टूटेगी तो उसमें से निकलेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब इनको तोड़ने का काम करते हैं एंजाइम, तो स्टार्च के डाइजेशन के लिए मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम है भाई एमीलेस, याद रखना सब अलग अलग है। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम है वो है जैसे पेप्सिन, एक है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा ट्रिप्सिन, एक कीमोट्रिप्सिन भी होता है, और वसा के पाचन के लिए जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं लिपेज, ठीक है भाई, लिपेज हिंदी में भी लिपेज ही लिखना पड़ेगा। तो ये एंजाइम इन तीनों के लिए अलग अलग है, बस हमने ये पढ़ना है कि ये एंजाइम कहां से निकले, अब निकलने के बाद करेंगे क्या, वो तो मैंने बता ही दिया, बस ये पढ़ना है कि ये कहां कहां से निकलते हैं। अब जैसे ये गुहिका में भोजन गया, भोजन में तो सारी चीजें थी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा, अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाएगा मुख गुहिका में, क्यों, क्योंकि एक ही एंजाइम निकला और तो वो था एमीलेस, तो 30% कार्बोहाइड्रेट का हो गया पाचन। उसके बाद भोजन गया कहां पे, अमाशय में, क्या निकला HCl, HCl ने क्या किया, जो पेप्सिन HCl भी निकला, पेप्सिनोजन भी निकला और प्रोरेनिन, प्रोरेनिन ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है प्रोरेनिन, लेकिन ये सिर्फ बच्चों में निकलता है, एडल्ट में नहीं निकलता, बड़े लोगों में नहीं निकलता प्रोरेनिन, जो इन्फेंट होते हैं ना वो छोटे बच्चे शिशु जो होते हैं उनमें प्रोरेनिन निकलता है। तो HCl का कार्य है, पेपर में आता है HCl जो भोजन के साथ कोई सूक्ष्म जीव है या जीवाणु है उनको मारने के लिए, दूसरा भोजन को अधिक मुलायम और सॉफ्ट बनाने के लिए, क्योंकि हो सकता हार्ड खाना सख्त खा ले कोई चीज तो उसको मुलायम करने के लिए, क्योंकि अम्ल तो संक्षारक होता है ना, तो हर चीज को गला देता है, तो उसको मुलायम करने के लिए, तीसरा जो इनएक्टिव एंजाइम है, जो अक्रिय एंजाइम है पेप्सिनोजन उसको एक्टिव करेगा, और ये इनएक्टिव है पेप्सिनोजन, जब ये एक्टिव हो जाएगा बन जाएगा क्या पेप्सिन, पेप्सिन क्या करेगा प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, कुछ प्रोटीन डाइजेस्ट होगा बाकी बच जाएगा।
जो प्रोलैनिन था मैंने बताया, ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लेकिन ये किसमें निकलता है, ये शिशु के अंदर निकलता है या फिर बछड़े के अंदर, जो छोटे बछड़े होते हैं पैदा होते हैं गाय के, उनके अंदर होता है प्रोलैनिन, एडल्ट में ये नहीं होता। और यही कारण है कि रेनिन, देखो प्रोलैनिन, रेनिन कैसीन प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। कैसीन प्रोटीन क्या होता है, कैसीन प्रोटीन मिल्क में होता है। जब हम दूध पीते हैं और दूध पेट में चला जाए और किसी वजह से अगर उल्टी आ जाए तो हमारा दूध फटा हुआ नहीं निकलेगा, बड़े आदमी फटा हुआ नहीं निकलेगा, वो ऐसा कैसा गिर जाएगा कभी देख लेना चाहिए। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु जो होते हैं, जब वो दूध फेंकते हैं वापिस, तो देखना उनका दूध फटा हुआ मिलेगा। जब वो पीते हैं कुछ दूध जो पियेंगे और बाद जो छोड़ेंगे वो होता है फटा हुआ सा, दही सी निकलेगी। तो क्यों, क्योंकि उनके पेट में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, जबकि अडल्ट में पेट में डाइजेस्ट होना शुरू नहीं होता। क्या मिल्क की बात कर रहे हैं, प्रोटीन की नहीं, मिल्क पेट में डाइजेस्ट होना शुरू नहीं होता। तो भाई ये तो हो गए किसकी, अमाशय में। अमाशय में एक तो HCl निकला, मैंने कार्य बता दिए। दूसरा निकला पेप्सी, पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव था, उसके एक्टिव किसने कर दिया, HCl ने बन गया पेप्सिन, पेप्सिन ने प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया। उसके बाद लिपेज भी निकलता है, ऐसा नहीं है कि लिपेज नहीं निकलेगा, लिपेज भी निकलता है, तो थोड़े से वसा का विपाचन अमाशय में हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं होगा। बाकी जो भोजन आधा सा पचा हुआ भोजन अब कहाँ जाएगा, अब अमाशय से होता हुआ जाएगा किसमें, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है, देखो छोटी आंत में यहाँ पे होता है एक बड़ी सी ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं लीवर, और यहाँ पे एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं अग्नाशय। तो लीवर से एक नली निकलेगी, वो मिलेगी अग्नाशय की नली में, यहाँ से अग्नाशय की नली निकलती है, दोनों साथ में मिलेंगी और वो साथ में कहाँ खुलेंगी, वो खुलती है छोटी आंत में। ठीक है भाई, अब इनके कार्य क्या है, ये जो अग्नाशय है अग्नाशय से, अग्नाशय को बोलते हैं पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज से जो रस निकलेगा उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। और सॉरी ये तो हो गया लीवर, ये है अग्नाशय, अग्नाशय से जो रस निकलता है उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। और जो लीवर है, लीवर क्या करता है, लीवर भाई बहुत ही खास काम करता है, क्या करता है तो मैं बताता हूं। लीवर बनाता है पित्त रस, क्या बनाता है पित्त रस, पित्त रस को बोलते हैं बाइल जूस, इंग्लिश में बाइल जूस। ये बनाएगा किसमें, लीवर में, और लीवर से आगे एक यहाँ इस नली के साथ एक छोटी सी ऐसी ग्रंथि, एक थैली सी लटकी रहेगी जिसको बोलते हैं पित्त रस, सॉरी पित्ताशय बोलेंगे उसको, क्या कहेंगे पित्ताशय। तो पित्त रस बना किसमें, लीवर में, और इकट्ठा हो जाएगा यहाँ से निकल के, इकट्ठा हो जाएगा किसमें, पित्ताशय के अंदर, और फिर यहाँ से निकल के जाएगा कहाँ पे, छोटी आंत में, छोटी आंत में। अब इसके क्या कार्य है, पेपर में आता है पित्त रस के क्या कार्य है। देखो पित्त रस जो होता है वो वसा के अमल्सिफिकेशन में मदद करता है। अमल्सिफिकेशन क्या, देखो जब हम कोई खाना खाएंगे और उसमें वसा है तो वसा पानी में घुलनशील नहीं होती, हमें पता है, लेकिन जो लिपेज एंजाइम होता है, लिपेज क्या करेगा, वसा का डाइजेशन करेगा, वसा का पाचन करेगा। लेकिन वसा क्या है, वसा तो पानी में घुलनशील ही नहीं है, और ये पानी में घुलनशील है, घुलनशील ये पानी में घुलनशील है, ये पानी में घुलनशील नहीं है। तो ये मान लो ये वसा की बोल है, मतलब ये वसा है, तो ये लिपेज सिर्फ इसके ऊपर ऊपर काम करता रहेगा, ऐसे अंदर वाली वसा का पाचन नहीं होगा, तो इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसके पाचन में, धीरे धीरे। तो क्या करना पड़ेगा, इस इतनी बड़ी बोल को टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, मान लो ऐसे टूट गया है छोटी छोटी बोल में इस प्रकार, तो एंजाइम क्या होगा, सारे चप चप के चारों तरफ चिपक जाएगा और उसका डाइजेशन कर देगा। इस बोल को इसमें बदलने की क्रिया, इन छोटे छोटे बोल में बदलने की क्रिया को बोलते हैं अमल्सिफिकेशन। और इसमें मदद कौन करता है, इसमें मदद करता है पित्त रस। तो पित्त रस बड़ी जो वसा की बोल होती है या बड़ा वसा का टुकड़ा होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिससे लिपेज एंजाइम के लिए क्षेत्रफल बढ़ जाता है कि वो आसानी से काम कर सके अपना। ठीक है, या सीधा हम कहें कि पित्त रस वसा के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, जिससे लिपेज को आसानी से काम करने का क्षेत्र मिल जाता है। ठीक है भाई, ये था किसका कार्य, पित्त रस का कार्य। अब बात आती है
जो पैंक्रियाज से अग्नाशय से जो रस निकलता है उसमें क्या होता है, देखो जो पैंक्रियाज से मतलब अग्नाशय से निकला, अग्नाशय से जो रस निकला, कोई रस निकल के आया, उस रस में क्या है, उस रस में है भाई एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, उसमें एंजाइम लीकेज भी होता है और उसमें एक एंजाइम एमिलेज भी होता है, एमिलेज, ठीक है भाई, ये बात है, बात समझ में आ गई। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है इनएक्टिव, तो उसको भी एक्टिव करना पड़ता है, समझे भाई। अब उसको एक्टिव कौन करेगा, देखो ये अम्लीय माध्यम में सक्रिय नहीं हो सकता, ये होएगा किसमें, ये उदासीन माध्यम में या फिर क्षारीय माध्यम में सक्रिय होगा। यहाँ तो अम्लीय माध्यम है, जब खाना आएगा छोटी आंत में तो वो अम्लीय था, तो जहां जो ये पित्तरस है और जो ये अग्नाशय से रस निकला है, ये पहले तो उसको क्या करेगा, उसकी एसिडिटी को कम करेगा, मतलब उसको अल्कलाइन बनाएगा। उसके बाद फिर ये ट्रिप्सिन जो निकला है अग्नाशय से, ये ट्रिप्सिन ये किसके पाचन में मदद करेगा, अभी मैंने बताया था ट्रिप्सिन ये प्रोटीन के पाचन में मदद करेगा, प्रोटीन किस में बदलेगा, अमीनो अम्ल में, ठीक है भाई। लिपेज किसके पाचन में मदद करेगा, वसा, लिपेज वसा का पाचन करेगा, क्या निकलेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल ये निकल गया भाई। और एमिलेज किसका पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के, जो भी कार्बोहाइड्रेट बच गया है, कार्बोहाइड्रेट जो बचा हुआ है वो भी बदल जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है भाई। ये तो बात होगी किसमें, अग्नाशय की। अब जब छोटी आंत है, जो छोटी आंत की अपनी दीवारें भी बहुत सारे पाचक रस छोड़ती हैं, उनमें भी यही एंजाइम होते हैं, कौन से, ये ट्रिप्सिन है, उसमें क्या निकल जाएगा, कीमोट्रिप्सिन, एक और एंजाइम है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, कीमोट्रिप्सिन, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम यही है प्रोटीन का डाइजेशन करना। छोटी आंत लिपेज भी छोड़ती है, उसका काम क्या है, यही फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना। एमिलेज भी छोड़ती है, उसका काम क्या यही है, कहने का मतलब क्या है, अलग अलग जगह से एंजाइम आते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा भोजन का पाचन हो सके। तो छोटी आंत में लगभग सारे के सारे भोजन का पाचन हो जाता है, मतलब भोजन में विद्यमान जितने भी जटिल पदार्थ हैं वो छोटी आंत तक पहुंचते पहुंचते सभी का पाचन हो जाएगा। बस ये याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है मुख गुहिका में, प्रोटीन और वसा का पाचन शुरू होता है अमाशय में, और ये आ जाए कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में हमारे भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब ये तो हो गया भी पाचन, मतलब जटिल पदार्थ थे और सरल पदार्थों में बदल दिए गए हैं। अब क्या होएगा, अवशोषण। अब अवशोषण कहाँ होगा, हमारे शरीर में या हमारे पाचक तंत्र में जो अवशोषण का कार्य करती है वो करती है भाई छोटी आंत, और छोटी आंत को इस प्रकार बनाया गया है कि वह भोजन का अधिक से अधिक अवशोषण कर सके। एक तो सबसे पहले काम देखो, ये पेपर में आता है ये प्रश्न भी कि छोटी आंत में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण उसमें अधिक से अधिक अवशोषण होता है। एक तो भाई उसकी है लंबाई, लंबाई उसकी बहुत अधिक लंबाई है, मतलब लगभग 6 मीटर टोटल जो लंबाई है सारी की सारी आहार नाल की वो 9 मीटर है, और उसमें से लगभग 6 मीटर लंबाई तो किसकी है, छोटी आंत की। छोटी आंत को छोटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी नैरो है, मतलब इसका जो वाइड नहीं है, चौड़ी नहीं है, ये थोड़ी भीड़ी है, ठीक है, नैरो है, इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। हालांकि इसकी लंबाई सबसे अधिक है, दूसरा में एक लंबाई अधिक होगा, दूसरे इसमें क्या है, अगर हम इसकी अंदर की बनावट देखें, मान लो ये दीवार है किसकी, छोटी आंत की, तो इसके अंदर की दीवारों पर ऐसे इस तरह से प्रोजेक्शन होते हैं दोनों साइड में, इनको बोलते हैं विलाई, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, मतलब उंगलियों जैसे उभार होते हैं, इनको इंग्लिश में कोई विलाई बोलते हैं, विलाई हिंदी में बोलते हैं इसको भाई, हिंदी में याद नहीं आ रहा, देखो इनको विलाई बोलते हैं। तो ये विलाई क्या करते हैं, ये विलाई हमारे जो आंत है, आंत का क्षेत्रफल बढ़ा देती है,
एक तो इसकी लंबाई अधिक है कि भोजन जब इसमें से गुजरेगा तो इतनी लंबी है धीरे 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 उसको बहुत टाइम मिल जाएगा अवशोषण का। दूसरा इसके अंदर जो ये विलाई है ये उसका क्षेत्रफल बढ़ा देगी, क्षेत्रफल बढ़ने से वो भोजन को अधिक से अधिक अवशोषित कर पाएगी, मतलब भोजन को ज्यादा जगह मिलेगी अवशोषण के लिए। ठीक है भाई। तीसरा क्या होता है, तीसरा इसकी जो दीवार है छोटी आंत की जो दीवार है इसमें रक्त वाहिनियों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक रक्त वाहिनियां होती है इनके अंदर, रक्त अधिक मात्रा में बहता है, रक्त बहेगा तो क्या करेगा अवशोषित फूड को अधिक से अधिक ले लेगा। तो इस प्रकार छोटी आंत को ऐसा बनाया गया है कि वो भोजन को अवशोषित कर पाए, तो उसकी लंबाई होगी। दूसरा इसमें उंगलियों जैसे उभार हैं जिनके कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और भोजन के अवशोषण के लिए अधिक से अधिक जगह मिलती है। तीसरा क्या, इसमें रक्त वाहिनियों की संख्या बहुत अधिक होती है जिससे अवशोषित भोजन को जल्दी जल्दी लिया जा सके और शरीर के अन्य भागों में भेजा जा सके। ठीक है भाई। अब जो काम की चीज थी वो अवशोषित हो चुकी है, अब हमारे भोजन में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो अवशोषित नहीं होती, या ये कह लो कि जो न्यूट्रिशियस नहीं है उसको हमारे शरीर उसकी हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो छोटी आंत में से होता हुआ चला जाएगा बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाइड होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, ये लगभग 1.5 मीटर लंबी है भाई, 1.5 मीटर लंबी है। उसके बाद देखो इसमें आएगा भोजन, जो भोजन इसमें आया उस भोजन में से सारा का सारा पानी, सारा क्या लगभग बहुत सारे पानी को ये अवशोषित कर लेगी, कौन बड़ी आंत। अब जब पानी ही अवशोषित कर लिया उसमें से तो वो कैसा हो जाएगा, वो तो थोड़ा ठोस सा हो जाएगा ना, जैसे थोड़ा टाइट सा। अब वो जो टाइट सा है वो इसमें से आगे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पानी अवशोषित होता रहेगा और जो बच जाएगा वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा, जिसका नाम है मलाशय, मलाशय में इकट्ठा हो जाएगा अवशिष्ट पदार्थ, पानी उसका निकल चुका है। और जब वो अधिक भर जाएगा तो फिर हमें मैसेज मिलेगा, दिमाग के पास मैसेज पहुंचेगा कि इसको खाली करने का टाइम आ गया है, तो हम कहाँ भागेंगे, टॉयलेट में भागेंगे और इसको निपटा के आ जाएंगे। बहुत ही गहन प्रक्रिया है। तो ये देखो भाई, उसके बाद ये तो हो गया पूरा काम हमारी आहार नाल का। ये एक पार्ट यहाँ पे लगा होता है ऐसे बड़ी आंत में, इस तरह से एक पार्ट लगा होता है, इसको बोलते हैं भाई अपेंडिक्स। इसका हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन ये एक बीमारी जरूर फैला देगा जिसको फैला देता है, जिसको बोलते हैं ना भाई इसको अपेंडिक्स है, हालांकि बीमारी का नाम अपेंडिक्स नहीं होता, बीमारी का नाम होता है अपेंडिसाइटिस। तो इसी जिसमें क्या होता है ये फूल जाती है, नीली नीली सी हो जाएगी और फटने का खतरा रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेट में दर्द होता है, तो इसको क्या करते हैं इसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है इस अपेंडिक्स को। ठीक भाई, ये हो गया हमारा मनुष्य में पाचन किस प्रकार होता है। ठीक है भाई, मैंने अपनी तरफ से इसमें सब कुछ बता दिया है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं वो भी करवा दूंगा। तो ये था मनुष्य में पोषण और मनुष्य में पाचन।